नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर पैनल योजना 2022 के बारे में। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के तरफ से आपको सोलर लगाया जाएगा आपके छत पर, और साथ ही साथ उसका रख रखाव के लिए भी ध्यान रखा जाएगा। अगर आप भी बिहार से हैं, आप भी सोलर पैनल लगाना चाहते हैं अनुदान लेकर, जो कि 65% तक का अनुदान मिलेगा बिहार सरकार की तरफ से, तो आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो चलिए, इस योजना से जुड़ी सारी बात इस वीडियो में बताने वाले हैं। कब तक इसका ऑनलाइन आवेदन होगा, कहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, सारी बात इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और कितना परसेंट तक आपको अनुदान मिलेगा, कितना आपको लगाना पड़ेगा, कितना सरकार देगी, सारी प्रक्रिया इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा मिलता रहे। तो फाइनली दोस्तों, आप जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमने एक लिंक दिया, जिसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो easy2net.com इसी वाले वेबसाइट पे चलेंगे। इस वाले वेबसाइट पे आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना, ठीक है। सोलर पैनल योजना 2022 से रिलेटेड जानने के लिए आपको यहाँ से इस वाले वेबसाइट पे आना है। जैसे इस वाले वेबसाइट पे आएंगे, देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट में आपको नीचे की ओर दिखाई देगा, देख सकते हैं सोलर रूफटॉप ऑनलाइन एप्लीकेशन बिहार 2022, यानी सोलर पैनल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिहार, यहाँ से आपको क्लिक कर देना। जो दिखाई दे रहा है इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना। इसका भी डायरेक्ट लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस वाले साइट पर चलेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तीसरे यानी सोलर पैनल से रिलेटेड सारा जानकारी इसमें दिया गया, बारीकी रूप से समझाया गया हिंदी भाषा में, तो आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो सारा जानकारी इसमें समझाया गया है, ठीक है। कौन कौन से व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं पोस्ट डेट जो कि बात किया गया 21/7/2022 को पोस्ट डेट किया गया था। सब्सिडी की बात करें देख सकते 45% से लेकर 65% तक अनुदान मिलने वाला है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई की स्टार्ट जो कि 22 जुलाई से शुरू भी हो गया है, इससे रिलेटेड सारा जानकारी इसमें दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम आपको पूरा नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके माध्यम से हम आपको बतलाते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से विश्वास भी हो जाए और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सेम वही बात इसमें आर्टिकल में लिखा गया है, आपके सामने पूरा दर्शाया गया है, बारीकी से आप समझ सकते हैं। चलिए, हम वो नोटिफिकेशन का आपको कहाँ से डाउनलोड करना है उसी के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, आएंगे यहाँ, देख सकते हो रोकटॉप ऑनलाइन एप्लीकेशन बिहार 2022 इंपोर्टेंट लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आप समझ चुके हैं, तो आपको NFPTCL का अगर बिजली का लाभ लेते हैं तो इस पर क्लिक कर दें, नहीं तो SBTCL बिजली का लाभ लेते हैं इस पर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई के डायरेक्ट लिंक यहाँ से आ जाएगा। तो आपको यहाँ से इंटर CA नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास CA नंबर होगा, जो भी होगा आपको डालकर उसके बाद जैसे गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से ऑनलाइन आएगा, ठीक है। तो इस पर भी आपको कर देना, अगर आप SBTCL से आते हैं तो भी आप इस पर क्लिक करें तो वैसा इंटरफेस होगा, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ से सबसे पहले नोटिफिकेशन हम आपको डाउनलोड करके दिखलाते हैं, उसके बाद सारा जानकारी इसमें बताया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हमने ऑलरेडी एक डाउनलोड करके रखा है, यहाँ से देख सकते फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिट, हम उसी नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ देख सकते हैं जो भी जारी किया जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत ये योजना चला रहा है, ठीक है। फिर जल जीवन हरियाली जो भी योजना इसके अंतर्गत ये चला है, देख सकते हैं सौर ऊर्जा अपनाओ पर्यावरण बचाओ और बिजली का खर्चा घटाओ, ठीक है। फ्रेंड, यानी सौर ऊर्जा अपनाओ और पर्यावरण बचाओ बिजली का खर्चा घटाओ, यानी जो भी बिजली बहुत से लोगों के घर में बिजली का बिल जो भी बहुत ज़्यादा आता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यानी कि इनका मकसद है इस योजना का, यानी सोलर पैनल योजना लाने का मकसद है कि आपके बिजली का खपत बहुत कम हो, अगर आप सोलर पैनल लगवा लेते हैं आपके लिए भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। देख सकते हैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन सारी अच्छी तरह से पढ़ते हैं और यहाँ से आपको बतला है। देख सकते हैं बिजली कंपनी द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिसूचना घरेलू परिसरों में किया जाएगा, यानी कि देख सकते हैं जो भी बिजली कंपनी है NFPTCL और SBTCL उसके अंतर्गत ये चलाया जा रहा है, यानी कि जो भी माध्यम से रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का अधिसूचना घरेलू परिसर में किया जाएगा, ठीक है। एवं एजेंसी द्वारा 5 वर्ष तक इसका रख रखाव किया जाएगा, जो भी आप सोलर पैनल लगाएंगे उसका 5 वर्ष तक रख रखाव एजेंसी द्वारा किया जाए, यानी कंपनी द्वारा जाएगा। सोलर पैनल सामान्यतः 25 वर्ष तक कार्य करता है, यानी जो भी सोलर पैनल लगाएंगे तो 25 वर्ष तक इसका कार्य रहेगा, ठीक है। कार्य करता है, उसके आगे भी करेगा, बट यहाँ से देखते हैं 25 वर्ष तक ही लिखा गया, ठीक है। दूसरी नंबर बात किया गया देख सकते तो बिजली उपभोक्ता अपने निजी परिसर में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठान हेतु ऑनलाइन आवेदन इस वाले वेबसाइट पर करना है, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दिनांक 22/7/2022 के प्रोन 11 वर्ष से कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की राशि 500 रुपया, यानी जब भी आप आवेदन करेंगे ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें पतला गया, देख सकते हैं 22/7/2022 ऑनलाइन स्टार्ट भी हो गया है, ठीक है। फिर आपको 500 रुपया देना पड़ेगा, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। SBTCL
और SPDCL का और NPDCL का दोनों का ही दे दिया आपको, जो कि पहले हम बतला ठीक है अपना। और तीसरे नंबर पर यहाँ देख सकते वर्तमान में डिस्कॉम के द्वारा निविदा के माध्यम से वेंडर चयन एवं रेट का डिस्काउंट करने की प्रक्रिया की जा रही है। और चौथे नंबर देख सकते घरों के छत पर सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठान के स्रोत अनुदान मिलते हैं ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ देख सकते कितने सोलर लगाएंगे तो उस पर अनुदान मिलेगा, इसमें बतलाया गया है। सोलर बिजली प्लांट की क्षमता किलोवाट में दर्शाया गया है। उसके बाद MNRE द्वारा निर्धारित वचन मार्क यानी जो भी लागत किया गया है कंपनी के द्वारा ही है, पैसा की लागत कर दिया गया है कि आपको इतना मिला ठीक है। सरकार द्वारा देने हो तो यानी सरकार आपको कितना पैसा देगी इसमें बतलाएंगे, कितने प्रतिशत तक देगी देख सकते हैं। अगर आप 1 किलोवाट का सोलर प्लान लगाते हैं तो आपको यानी 46,923 रुपया मिलेगा, यानी कि अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो ठीक है, जिस पर सरकार आपको 65% तक अनुदान देगी ठीक है। वहीं पर 1 किलोवाट से लेकर 2 किलोवाट तक अगर लगाते हैं तो 43,140 रुपया मिलेगा, पैसे की बात कहा गया जो कि सरकार इसमें 65% देगी ठीक है। वहीं 2 किलोवाट सोलर पैनल से लेकर 3 किलोवाट अगर सोलर पैनल लगाते हैं उसका निर्धारित रुपये की जो बात करें तो 42,020 रुपया रखा गया जो कि इसमें सरकार आपको 65% देने वाली ठीक है। और वहीं 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट अगर लगाते हैं सोलर पैनल तो 40,991 रुपया पड़ेगा जो कि आपको इसमें सरकार 45% तक ही आपको अनुदान देगी ठीक है, यानी सरकार आपको 45% देगी। वहीं पर दूसरे में बात कर देते हैं अगर आप हाउस सोसाइटी एवं आवास कल्याण सोसाइटी की एवं अन्य अधिकतम 10 किलोवाट के प्रति घर के तौर से 500 किलोवाट तक लगाते हैं तो आपको यहाँ से देना पड़ेगा। देख सकते 1 किलोवाट का अगर लगाते हैं तो 46,923 रुपया मिलेगा जो कि सरकार द्वारा अनुदान जो मिलेगा अनुदान में 45% तक मिलेगा। वहीं पे अगर 1 किलोवाट तो लेकर 2 किलोवाट तक लगाते हैं सोलर पैनल तो आपको 43,140 रुपया मिलेगा जो 45%। इसमें सारा जानकारी दर्शाया गया है आपके डैशबोर्ड जैसा से, अगर आपको जितने भी वाट का लगाना चाहते हैं आप इसमें देख लीजिएगा इतना मूल्य पड़ेगा, आपको सरकार उतना देगी और आप और बाकी पैसा आपको लगवाना पड़ेगा देख सकते। और भी इसमें बात मेंशन किया गया अच्छी तरह से आपको समझ लेना चाहिए जो कि संबंधित रूपटम मालिक द्वारा भुगतान किए जाने राशि की गणना इसमें किया गया है। अनुदान की राशि MNRI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूअल एनर्जी द्वारा निर्धारित बेंचमार्क लागत या नवीनता के माध्यम से ट्रेस्टवर रेट में जो न्यूनतम होगा उस पर निर्धारित किया जाएगा, यानी कि अगर आप जो भी कंपनी द्वारा पैसा लागत किया गया है तो उतना पड़ेगा तो उतना दिया जाएगा, नहीं तो आपको भुगतान होगा और जो भी अधिक पैसा लगेगा तो आपको यहाँ से अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा ठीक है। वहीं पे दो नंबर बात क्या है तो उपभोक्ता की इस योजना के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट लगवाने हेतु अपने हिस्से के कुल देय राशि डिस्काउंटर रेट यानी सरकार द्वारा अनुदान की राशि के 2 किस्तों में सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापना की प्रगति के अनुसार सीधे वेंडर के खाते में भुगतान करना होगा ठीक है फ्रेंड। ये भी बात आपको समझ में आ गया। तीसरे नंबर बात किया है देख सकते डिस्कवर रेट एवं चयनित वेंडर के संबंधित सूचना विभाग के वेबसाइट SPDCL और NPDCL पर उपलब्ध होगी ठीक है, ये सारी चीज इस पर उपलब्ध है। और इसमें बात करें देख सकते संबंधित रूपटॉप मालिक के निम्नलिखित पद के अनुसार वेंडर के भुगतान करना होगा। देख सकते 80% समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अग्रिमी भुगतान होगा। और दो नंबर बात कहें शेष 20% प्लांट है तो आवश्यक सामग्री उपभोक्ता के परिसर में डिलीवरी करने के बाद होगा ठीक है, यानी कि 80% समझौता होगा उसके बाद भुगतान कर दिया जाएगा और 20% जो बचेगा कि जो भी लोग लगाएंगे यानी जो भी व्यक्ति लगाएंगे उनके घर तक डिलीवरी हो जाएगा सोलर पैनल, उसके बाद 20% का जो पैसा होगा सरकार की तरफ से वो भेजा जाएगा ठीक है। वहीं पर तीसरे नंबर बात किया देख सकते छत पर सोलर प्लांट लगाने के होने वाले फायदे क्या क्या होगा अगर आप लगाते हैं। देख सकते अक्षय ऊर्जा के उपयोगिता का पर्यावरण संरक्षण होगा, छत पर सोलर प्लांट लगाने से घर के तापमान में कमी आएगी, सोलर प्लांट लगने के बिजली बिल भी कमी आएगी, ये सारा सुविधा मिलेगा। अगर आप नॉर्थ बिहार से आते हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, अगर आप साउथ बिहार जो भी बिजली लाभ लेते हैं उस पर भी लाभ लेते हैं तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं ठीक है। जो आवेदन आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है www.eg2net.com पे। इस वाले वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे कोई इंपॉर्टेंट लिखा ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट लिखा ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई का डेट, अगर आप NPDCL के माध्यम से आते हैं तो इस पर आपको कॉल क्लिक कर देना है, अगर आप साउथ बिहार से SPDCL के माध्यम से आते हैं तो इस पर क्लिक करें, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा जो कि ऑनलाइन आवेदन करने का ठीक है। यहाँ देख सकते बिहार स्टेट पावर होल्डिंग यानी कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, इस पर आपको यहाँ CA नंबर जो भी होता है आपके पास CA नंबर होगा आपको यहाँ से डाल देना है ठीक है। आपको उस बार गेट डेट पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारा डाटा आ जाएगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी होगा प्रक्रिया आप कर लीजिएगा ठीक है। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं तो हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखलाते हैं, अगर आपको करना है तो हमारे कमेंट सेशन में कमेंट करेगा उस पर वीडियो बना देंगे हम कहीं से भी डिटेल्स लेकर ठीक है। चलिए आज का वीडियो करते हैं समाप्त।
तो फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं, नहीं तो हम आपको ऑनलाइन आवेदन कर कर दिखलाते हैं। आप करिए अपना, आप करिए, अगर आपसे नहीं हो रहा तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर ताकि और भी लोगों को मालूम चल सके। कमेंट करके बताए क्या इस पर वीडियो बना दें कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ताकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको इस पर भी वीडियो बना देंगे।